हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आज है दशहरा और उसकी तैयारी लगी है। यहाँ पर प्रीति रावण बनाने की तैयारी में है। इसने दो डंडे आपस में जोड़ लिए हैं, इसके ऊपर ये घास की फीलिंग करते हैं, शायद ऐसा कुछ है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखूंगी इनको कि ये कैसे इसको रेडी करते हैं। तो बच्चे सारे पहुँच गए हैं खेत में, अभी काफ़ी धूप है तो एंड शाम का टाइम हो गया था काफ़ी, मतलब आंचू घर पे नहीं थी तो यही सारा कुछ मैक्सिमम करती रहती है। तो यहाँ पर प्रीति घास निकालने आई है और नीचे आंचल ने जो स्टिक इन्होंने जोड़ी हुई थी उसको खेत में नीचे थोड़ा सा लगा दिया है टिका के। इसके ऊपर ये घास कपड़े गिरे से पता नहीं कैसे कैसे पूरा रावण तैयार करेंगे, तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो हम भी अभी पहुँच गए हैं खेत में और अभी हम देखते हैं। सारे लोग इधर उधर, सारे घर के, मतलब दीदी देखो ऊपर खड़े हैं, मम्मी ऊपर बैठे हैं एंड सारे बच्चे इधर उधर, मतलब बड़े एक्साइटेड है कि हम आज रावण बनाएंगे एंड शाम को रावण का दहन करेंगे, रावण जलाएंगे। तो यहाँ पर अंकू ले आया है कपड़े जिससे ये पूरा इसको बांधेंगे अच्छे से। मेन जैसा जो काम है यहाँ पर आंचल का ही रहता है। ये बड़ी क्रिएटिव है, मतलब कुछ ना कुछ नया करने की मतलब ट्राई करती ही रहती है हर काम में। तो अभी यही मैक्सिमम ज़्यादा, जैसे प्रीति और आंचल ने ही इसको बनाया पूरा, घास से इसकी फीलिंग की, बांधा इसको। यहाँ पर ना बंसू जो पुराने कपड़े उठाते रहते हैं उसकी पूरी, मतलब पूरी थैली ले आई थी। एंड यहाँ पर सिलेक्शन हो रही है कि रावण को कौन सा सूट पहना है। तो यहाँ पर पूरा, मतलब घर वालों ने वो वाला इनका प्लान कैंसिल ही कर दिया कि कपड़े उसको पहनाने ही नहीं है, बहुत धूप है, वो टाइट करके रख लेंगे। तो शाम के जैसे जब थोड़ी हवा लगने लग गई थी, थोड़ी मतलब धूप चली गई थी, तो उस टाइम आंचल ने इसको एक दुपट्टा जैसा रावण को पहना ही लिया था ताकि रावण को ठंड ना लगे। एंड अभी सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं कि कर क्या रहे हैं। तो यहाँ आ गए हैं ताऊ जी। तो ताऊ जी ने इसको अच्छे से पूरी इसको स्टिक को ना अच्छे से इसको स्टैंड किया, बिकॉज बच्चों से तो ये स्टैंड नहीं हो पा रहा था। तो अभी रावण का जो मुंह बनाया था आंचल ने बोल गा लिया और अभी बच गए हैं शाम के 6:30। अभी हम देवर जी का वेट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि थोड़े लेट हो जाएंगे, तो बच्चों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम रावण को जलाएंगे। इन सब के बीच में ना अतुल काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वो रो ही जा रहा था, बाकी तो सब लोगों ने इंजॉय किया। तो इस तरह से एंजॉय किया हमने अपना दशहरा। अगर आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।